Shantaram Naik now joining us on the phone line. Shantaram Naik ji, bataiye kya reasons hai aapko quit karne ke liye? देखिए, जब प्लेनरी सेशन में राहुल जी का जो भाषण है ना, तो इससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि उन्होंने कहा है अभी यंगर जनरेशन को आगे आना चाहिए. उन्होंने जो पूरी स्टेज है ना वो दिखाई थी, ये खाली स्टेज है, हमने यंग जनरेशन के लिए रखी है. वो जो अपील था वो इंस्पायरिंग अपील था, तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मुझे रेजिग्नेशन देना चाहिए. लेकिन मैंने उस टाइम पे नहीं दिया, वो सही नहीं लग रहा था. तो मैं आकर यहाँ पे मैंने कल ड्राफ्ट किया लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू राहुल जी, फिर कॉपी टू सोनिया गांधी, और कल मैं ऑफिशियली अनाउंस कर लूंगा मेरा रेजिग्नेशन. मेरी इतनी इच्छा है कि जो मेरे जगह पर आएगा वो कमिटेड कांग्रेसमैन हो, और कम से कम एक 10 साल उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया. शांताराम नायक जी, मैं आपसे ये पता करना चाहता हूँ, आपका रीजन क्या है, क्यों रिजाइन किया आपने कांग्रेस पार्टी से? रीजन यही है, रीजन है कि आई इंस्पायर्ड बाय राहुल गांधी स्पीच wherein he said that now younger generation has to come forward. I was inspired, and his long 1 hour speech was inspiring for anybody. Right. At this stage, I have to ask you this. Have you officially resigned? Has your resignation been accepted by the Congress Party and Rahul Gandhi? I have sent my resignation today itself to Rahul Ji with a copy to Sonia Gandhi. All right. And so you are resigning as the chief of the Congress Party, or are you quitting the Congress Party altogether? No. My services will be there all the time for Congress Party. So, I said in my letter. So you are only resigning as the chief of the Goa unit, and but you are not quitting the party? No. Absolutely. I am a hardcore congressman. मेरे बारे में ऐसा कहा जाता है, कोई भी गया तो ये अकेला शांताराम नायक रहेगा. This is my credibility. All right. शांताराम नायक जी, मैं आपसे ये भी पता करना चाहूंगा कि जो ओल्ड गार्ड जो है, जो पार्टी के सबसे पुराने मेंबर्स, वरिष्ठ मेंबर्स जो हैं, वो लोग अभी आजकल साइडलाइन हो गए क्या आप कांग्रेस पार्टी में? क्या कांग्रेस के जो वरिष्ठ मेंबर्स हैं, वरिष्ठ लीडर्स जो हैं, वो आजकल साइडलाइन फील कर रहे हैं क्या? नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसा कोई फील रहा है. क्योंकि जब आप अभी आप बोल रहे हैं कि अपना अपना डिसीजन लेके अपना विचार करना चाहिए. अगर उनको लगता है कि उनकी पार्टी के लिए जरूरत नहीं है, तो वो सोचें क्या करना है. मेरे ख्याल से आहिस्ता ऐसे यंग जनरेशन को आगे आना ही चाहिए. किसी को लगता नहीं कि साइडलाइन कर रहे हैं, किसी को साइडलाइन. शांताराम नायक जी, आपके यही सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जब रिजाइन कर रहे हैं कांग्रेस गोवा यूनिट के चीफ के पोजीशन से, इसी वक्त भरत सिंह सोलंकी जी भी, जो गुजरात कांग्रेस के चीफ है, वो भी रिजाइन करने के सोच रहे हैं. ऐसे आप जैसे वरिष्ठ लीडर्स जो हैं कांग्रेस से इकट्ठा रिजाइन कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि साइडलाइनिंग हो रहा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, गोवा में कोई साइडलाइन नहीं हुआ है और हम भी साइडलाइन नहीं हुए. एक्चुअली आफ्टर सिंह आई विल आल्सो बी वर्किंग इन व्हाटएवर कैपेसिटी, एनी वर्क व्हिच इज गिवन टू मी I will work for the party. That is my tradition. And I don't know about Solanki ji. उन्होंने क्या तय किया है. लेकिन हमारे बारे में मैं ऑफर किया है, मैंने लेटर में भी ऑफर किया है राहुल जी को, सोनिया जी को और कांग्रेस पार्टी को इन जनरल, कि मेरी सेवाएं हमेशा पार्टी के लिए रहेगी. Are others looking to quit the party? If I can ask you that, Shantaram Naik ji, और भी लोग? No, nobody is going to quit. मतलब आप जैसे वरिष्ठ एक्सपीरियंस्ड लीडर्स जो हैं, आप जैसे और भी लोग अभी क्विट करने की सोच रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? नहीं, कोई क्विट करने का सोच नहीं है, लगता नहीं मुझे. अगर कोई अपने पद से हटना चाहता है तो वेलकम, लेकिन मुझे तो मालूम नहीं कोई पद से हटना चाहता है. और आपका रेजिग्नेशन जो है, ये चीफ ऑफ कांग्रेस के गोवा यूनिट के के पोजीशन से रेजिग्नेशन है, और आपने ये भी बताया कि आपने लेटर दे चुके हैं, रेजिग्नेशन लेटर राहुल जी को और सोने जी को. हाँ बिल्कुल, मेरे पद से भी जाए, लेकिन पार्टी के लिए मेरी सेवा हमेशा रहेगी.
और लेटर में क्या लिखा आपने, क्या रीजंस दिया राहुल जी और सोनिया जी को? रीजन जो हुई तो टाइम दैट आई एम इंस्पायर्ड बाय द स्पीच ऑफ राहुल जी, दैट इज द रीजन. इन फैक्ट आई वांटेड टू गिव टेंडर माय रेजिग्नेशन देयर इटसेल्फ बट इट वाज नॉट लुकिंग फेयर, तो मुझे लगा कि यहाँ आने के बाद लिख कर वो भेजे, तो मैंने भेजा है और मेरा कमिटमेंट है पार्टी के लिए और मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है कैसे करने का. अभी मैं पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं रहूंगा, तो भी अगले चुनाव के लिए पार्टी ने कैसा काम करना चाहिए वर्कर्स के लिए, मेरे पास प्लान है, वो मैं पार्टी को दिखा दूंगा कैसे करना है. राइट, शांताराम नायक जी बने रहिएगा हमारे साथ, स्टे विद अस. वी हैव माय कॉलीग शिवानी गुप्ता आल्सो जॉइनिंग अस इन फ्रॉम आवर न्यू दिल्ली स्टूडियोज. प्लीज शांताराम नायक जी बने रहिएगा हमारे साथ. शिवानी, यू हैव अ क्वेश्चन फॉर हिम. यस या यस शांताराम नायक जी, शिवानी दिस साइड फ्रॉम दिल्ली स्टूडियोज. आप कह रहे हैं कि आप ने इसलिए रिजाइन किया है क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं यंग लीडर सामने आए. आप 71 इयर्स के हैं, तो क्या आप कह रहे हैं आपने इंस्पिरेशन भी आपको देखा देखी और भी सीनियर लीडर्स रिजाइन करेंगे क्या? नहीं, हमको मालूम नहीं. मैं तो 72 हो रहा हूँ 12 अप्रैल को. मैंने वैसे इंडिकेट कर दिया है डेट 12 अप्रैल को, अगर मेरा इस्तीफा मंजूर होता है तो कुछ उसके पहले भी हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन 12 अप्रैल को मैं 72 ईयर्स कंप्लीट कर रहा हूँ. तो मैंने सोचा 72 वर्ष हो रहे हैं मुझे, तो इस्तीफा देना चाहिए ऐसा लगा मुझे. नहीं तो आप अकेले ही करेंगे तो बात नहीं बनेगी ना, क्या बाकी सीनियर लीडर्स भी करेंगे क्या ऐसे ही डिसीजन? अगर राहुल गांधी ने बोला है प्लेनरी में कि यंग लीडर्स को सामने आना चाहिए, ऐसी कोई बात हुई है क्या आपका सीनियर लीडरशिप से? दूसरे के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ? मैंने मुझे आई वॉज इंस्पायर्ड सो मच सो उसी वर्क देना चाहता था मैं इंस्पायर होके, लेकिन मैं मेरे किसी कलीग को नहीं पूछूंगा आप भी देना चाहते हैं क्या, ऐसा ठीक नहीं होगा ना. नहीं बट शांताराम जी, क्या सिर्फ यही रीजन है या कुछ और भी बात हुई है? नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ एज की वजह से ही लीडरशिप और यूथ को आगे लाने के लिए या कुछ और भी मामला है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यही रीजन है. और मैं मेरी कैपेसिटी में प्रेजिडेंट तो नहीं रहूंगा लेकिन और जोर से काम करूंगा. शांताराम नायक जी, मैं आपसे ये भी क्लियर पूछना चाहूंगा, आपकी बात हुई है राहुल जी के साथ या सोनिया जी के साथ दिल्ली में कांग्रेस के सेंट्रल टीम के साथ, किसकी बात हो चुकी है आपके आपको? मेरी बात तो होती है बीच बीच में, वैसे भी परसों मिले थे, हम खाना साथ में खाया था, उस वक्त मैंने पूछा मैडम आप गोवा में आती है, हमको मालूम नहीं होता है, तो मैडम ने कहने लगी कि अगर मैं बताऊं तो आप हेलो कहने के लिए करने के लिए आ जाएंगे, इसलिए मैं बताती नहीं हूँ, जस्ट कैजुअली पूछा उनको उतना ही. उस वक्त तो मैंने तय नहीं किया था क्योंकि ये तो स्पीच बाद में हुई ना. अच्छा शांताराम जी, अब ये राहुल गांधी प्रेसिडेंट बन गए हैं, उसके बाद बहुत जब वो प्रेसिडेंट बने थे, बनने से पहले भी और अब भी, ऐसा सुनने में आ रहा है जैसे कि भरत सिंह सोलंकी की न्यूज भी आ रही है कि बहुत से लीडर्स खुश नहीं हैं, इस बीच में आपका डिसीजन भी आ रहा है, तो आपका क्या कहना है उनकी प्रेसिडेंसी पे? मैं ये कहता हूँ कि मैं पहले से कह रहा था कि राजीव गांधी ने प्रेसिडेंटशिप लेनी चाहिए, ये मेरा पहले से आग्रह था. और अभी देखिए लेकिन काम कर रहे हैं, डायनामिक है, मोदी की तरह बकवास नहीं कर रहे, आई एम सॉरी टू से, मोदी की तरह बकवास नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं, उनके थॉट्स अच्छे हैं. शांताराम नायक जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्लेनरी सेशन अभी हुई थी, इट जस्ट हैपेंड, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वेदर इंस्ट्रक्शंस सेंट आउट आफ्टर दैट यू नो टू कॉज सच रेजिग्नेशंस. व्हाट इज दैट? The All India Congress Committee plenary session just took place. Were there any instructions from the Central Congress team to state units that has brought about this resignation or will bring about more such similar resignations? After session, they may send some instructions. Right now, nothing has come because hardly the session got over.
sometimes based on the resolutions passed, some instructions are sent, like we pass economic resolution, political resolution, international resolution, based on that some guidelines may come. But right now, we don't have any guidelines. We only know that structure of the party has to be built up. If the structure of the party has had a shuffle, is that the reason why you are resigning? Because there is a shuffle Rahul Gandhi. See, I have told you my reason. That I am inspired by his speech. That younger generation has to come forward. And therefore, that is the sole reason. All right. Mr. Okay. Shantaram Naik, thank you so much for joining us here for this big breaking story. It's the official confirmation from the man himself. Shantaram Naik, the chief of the Goa Congress unit, has indeed resigned from his position, but he will continue to stay on in the Congress party. And with that, I hand it over to my colleague Shivani Gupta in the New Delhi studio. Shivani, over to you.